नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इथोलॉजी का, जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, खास तौर से जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो मेंशन है इथोलॉजी, उसकी दो क्लास है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी जो क्लास है वो थर्ड रहेगी, जिसमें एक नया टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो अपना है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। है ना, मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बिहेवियर के अंदर कैसे अप्लाई होता है या कैसे यूज में आता है, जिसे अपन कह सकते हैं अभिप्रेरणा की अवधारणा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। वैसे भी देखो, मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर काम, कोई भी अपना व्यवहार, उसको करने की आपके अंदर इच्छा जागृत कैसे होती है, या आप कोई भी बिहेवियर करना क्यों चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि आप उसको करने के लिए तत्पर रहते हो। जैसे अपन अपनी बात करते हैं आज कि अपन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या फिर अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और एक अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए। इसका मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं अपने सामने कि उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यवहार अपन करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है, अपना एक मोटिवेशन है। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव जंतुओं के द्वारा यदि कोई काम किया जाता है, यदि कोई व्यवहार किया जाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, मोटिवेशन उसके पीछे होता है, उसके एक प्रेरणा स्रोत होता है कि वो किसको देख के मोटिवेट कर रहा है। देखो, मोटिवेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक मोटिवेशन होता है कि अपने अंदर से निकले कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ऐसा व्यवहार करना है, मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे इसके लिए कौन से रास्ते पर जाना है। एक अपना होता है कि अपना आस पास का एनवायरमेंट ऐसा हो। जैसे अपन मोटिवेशन स्पीच जब भी देखते हैं तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि भी अगर आप लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जिनकी सबकी सैलरी 1,00,000 रुपया है, आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, तो आप कुछ दिन में ही क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन जागृत होगा और आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि मैं इनके बीच में बहुत कम पेमेंट ले रहा हूँ, तो आपके अंदर इच्छा क्या होगी कि मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब सर्च करनी चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए ताकि मैं भी 1,00,000 या 1,00,000 से ऊपर पेमेंट ले सकूं। वो क्या है, आउटर आपका एक मोटिवेशन है। तो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक बाह्य मोटिवेशन होता है। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर अपन देखेंगे, अपन यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो किसके रेफरेंस में है भाई, एनिमल बिहेवियर के रेफरेंस के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसी जंतु की मानसिक दशा या उसकी चाहत या किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के लिए उनकी तत्परता, मतलब वो कितना उसके लिए एग्री है, तत्परता है ना, रेडीनेस फॉर सर्टेन बिहेवियर, कोई भी व्यवहार करने के लिए कितनी तत्परता उसके अंदर है कि वो व्यवहार करना चाहता है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी काम को करने की जो तत्परता है वही क्या उसका मोटिवेशन है। अभिप्रेरणा की अवधारणा किसने दिया था ये, तो यहाँ पर आप देखोगे मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था ये, मैस्लो ने दिया था, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान आपको रखना है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, या फिर इसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, तब बताया था मैंने कि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, इंस्टिंक्टिव मतलब होता है एट द स्पॉट आपके द्वारा किया गया व्यवहार, अचानक से किया गया व्यवहार, आपकी लाइफ में जो जन्मजात आपको मिला है वो व्यवहार, ठीक है ना, जन्मजात व्यवहार, जैसे भोजन प्राप्त करना, ठीक है ना, बच्चा होते ही होते क्या करते हैं वो, हाथ पैर इस प्रकार से मुँह को चलाना कि उसको कोई फूड या मिल्क या उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ें जाए, तो वो ऑटोमेटिक करता है वहाँ पर, पानी का पीना, लैंगिक व्यवहार आदि, ठीक है ना, फीमेल को देखते ही लैंगिक इच्छाओं का उत्पन्न होना, के लिए जीवों में एक विशेष प्रकार की चाहत या अभिप्रेरणा की दर होती है। ठीक है ना, किसी भी काम करने की आपकी जो दर है या अभिप्रेरणा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अपन कहें कि एक टॉपिक इथोलॉजी चले
और एक टॉपिक चले कोई भी ऐसा हार्ड टॉपिक, तो आपकी किस में ज़्यादा तत्परता होगी कि जो टॉपिक इजी हो, आपको समझ में आ सके, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, वहाँ पर आपकी तत्परता क्या होगी, मोटिवेशन की दर ज़्यादा होगी। कोई टॉपिक ऐसा हो, हार्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाने वाला पढ़ा नहीं पा रहा उस टॉपिक को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपकी तत्परता उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है आपकी चाहत और आपकी तत्परता कितनी है। तो अलग अलग व्यवहार में आपकी तत्परता मोटिवेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी व्यवहार काम को पूर्ण करने या सेचुरेशन के बाद, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी आपको एक चीज़ है, आपको वो चीज़ प्राप्त करनी है, आपको भोजन ही मान लो आपको भूख लगी है, आपको भोजन करना है, आपकी तत्परता बढ़ रही है, भोजन को देख कर बढ़ रही है। अगर आपके अंदर भूख है तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपको आसपास में कहीं खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल भी आपके अंदर आएगी, वो भी इच्छा जागृत करेगी, वो एक तत्परता है आपकी। आपको क्या हुआ, भोजन मिल गया, आपने पेट भर के खा लिया, उसके बाद में चाहे स्मेल आए चाहे बहुत अच्छा पकवान आए, आपकी जो तत्परता है उसको फूड खाने की, वो क्या हो गई, अब एकदम मिनिमम हो गई। अब आपके सामने कैसे भी पकवान रख दिया जाए, आप उसकी तरफ तत्परता, मतलब आपकी जो मोटिवेशनल रेट है वो आपकी क्या होगी, एकदम डाउन हो गई। तो अलग अलग व्यवहार डिपेंड करता है, वो व्यवहार तब तक रहती है जब तक आपकी बॉडी में सेचुरेशन ना आ जाए, सेचुरेशन के बाद में तत्परता की जो दर है वो हमेशा कम हो जाती है। उस काम को पुनः करने या विशिष्ट वस्तु को पाने की इच्छा कम हो जाती है, जो चीज़ आपको एक बार मिल चुकी है वही इच्छा आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखोगे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो दशा या चाहत पुनः जागृत होने लगती है। मैंने अभी कहा कि जैसे मॉर्निंग है, आपको क्या मिला, फूड मिला। जब तक मॉर्निंग में आपको फूड नहीं मिला तब तक आपके अंदर क्या थी, तत्परता थी, फूड भोजन कैसे मिले मुझे, मैं कैसे व्यवहार करूं कि मुझे भोजन मिले। अब आपको भोजन मिल गया, आपकी बॉडी में क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया, अब आपको भूख की इच्छा ही नहीं है, आप कोई व्यवहार नहीं करोगे, फूड सर्च नहीं करोगे, कोई भी कोशिश नहीं करोगे आप, ठीक है। जैसे ही पेट धीरे धीरे क्या होगा, आपका खाली होगा, पेट खाली होगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में वो हार्मोन बनेंगे और वापस से तत्परता बढ़ती जाएगी, वापस से क्या होगी, तत्परता बढ़ती जाएगी और वापस से आप वही व्यवहार करोगे जो आप सुबह कर रहे थे। इसका मतलब ये चीज़ दोहराती है, सेचुरेशन के बाद में वापस से आपकी तत्परता की दर है वो बढ़ जाती है। जैसे भूख या हंगर, सेचुरेशन कंडीशन में खाने के प्रति अपनी इच्छा अलग अलग दर्शाते हैं, जैसे मोटिवेशन कहते हैं, जिससे AFAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एक्सप्रेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। ये वही व्यवहार दर्शाओगे जो आपके नॉर्मल व्यवहार होते हैं, जब आपको उसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है, सेचुरेशन हो जाता है, कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर लेते हो उसके बाद में उसकी इच्छा खत्म हो जाती है और आप नॉर्मल व्यवहार करने लगते हो। यहाँ पर आप देखोगे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, कि आपकी ऐसी क्या है फिजियोलॉजी कि उनके अंदर चेंजेस होने के कारण से आपके मोटिवेशन प्रभावित होता हो, आपकी तत्परता प्रभावित होती हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे मेमल्स में मोटिवेटेड बिहेवियर पर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट का इफेक्ट अलग अलग इथोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है, कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्राणियों में मोटिवेशन का प्रभाव जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग जो अपन कह सकते हैं फिजियोलॉजिकली करेक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसे उस पे डिपेंड करता है। मेमल्स में हाइपोथैलेमस अपनी ब्रेन की ग्लैंड कह सकते हैं, मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट वाली साइटें होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के साइट या क्षेत्र होते हैं जो मोटिवेशनल बिहेवियर को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो या सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई पॉइंट होते हैं अपने ब्रेन के हाइपोथैलेमस के अंदर जो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप किसी व्यवहार के प्रति क्या हो, सेटिस्फाई हो, कि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो कि अपन ये कहें कि ये आपका व्यवहार, यहाँ से अपन कहें कि यहाँ कोई ऐसा पार्ट है जिसको दबाने से, जैसे मान लो आपको सपोज भूख लग रही है, अभी भूख का क्या आपको एहसास है, आपने क्या किया, इस पॉइंट को दबा दिया, इस पॉइंट को दबाते ही आपको क्या मिल गया, सेटिस्फिकेशन मिल गया कि मुझे भूख नहीं लग रही है।
आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ दिया, आपको क्या लगी, वापस भूख लगी। इसका मतलब ये चीज़ें डिपेंड किस पे करती है, आपकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी बॉडी की बनावट पे डिपेंड करती है। वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे खासतौर से हाइपोथैलेमस के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये कंडीशन इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, बॉडी के अंदर चेंजेज सेंसरी स्टिमुलस, आपके नर्वस सिस्टम तथा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्रभावों से कंट्रोल व रेगुलेट की जाती है। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, आपके नर्वस सिस्टम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आगे अपन देखेंगे जैसे जंतुओं में होने वाली आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, उसकी बॉडी के अंदर से जो इच्छा है, अभिप्रेरणा क्रियाओं का मापन संभव नहीं है, लेकिन जंतुओं के द्वारा अलग अलग कंडीशन में एक्सप्रेस की गई रिएक्शन है ना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग व्यवहार प्राणी करते हैं, उनको मापन किया जा सकता है। ठीक है ना, और मोटिवेशन कैपेसिटी का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी इसकी इच्छा थी इस काम को करने की कि इसने ऐसा व्यवहार किया है, इसका मतलब उनका मापन किया जा सकता है। जैसे फूड के प्रति ड्राइव हैंग्री, जैसे किसी को भूख लगी है तो वो फूड को सर्च करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी तत्परता से वो काम कर रहा है, उसको मापन किया जा सकता है कि उसकी भूख कितनी है, जितनी ज़्यादा भूख होगी उतनी ज़्यादा वो कोशिश करेगा। यहाँ पर अपन देखेंगे पेरेंटल केयर है ना, ये अलग अलग है, सेक्सुअल एक्टिविटी अलग अलग, एनिमल अलग अलग व्यवहार करते हैं, अग्रेसिव ये क्या है, सब डिपेंड करता है इनके मोटिवेशन पे, इनकी तत्परता पर कि वो पेरेंटल केयर किस प्रकार का शो करें, अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार स्ट्रगल कर रहे हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी कि वो मेल को देखकर फीमेल कैसे अट्रैक्ट होती है, फीमेल को देख के मेल कैसे बिहेवियर करता है, कितनी तत्परता दिखाता है, उनके अंदर क्या मोटिवेशन है, और वो किसी भी अपने शत्रुओं को देखकर, अपने प्रेडेटर्स को देखकर कितना अग्रेसिव बिहेवियर करता है, ये सब उसकी डिपेंड करता है कि उसको खतरा कितना है ना। व्यवहार की कैपेसिटी को मापने में सफलता प्राप्त की है, मतलब इनकी मापा जा सकता है आपको। ठीक है ना, पेरेंटल केयर भी मापा जा सकता है आपको, सेक्सुअल एक्टिविटी की फीमेल की तरफ देख के मेल कितना अट्रैक्ट होता है वो मापा जा सकता है, अग्रेसिवनेस मापी जा सकती है कि ऐसी क्या तत्परता है इनकी। जैसे भूखे जंतुओं में भोजन के लिए मोटिवेशन का मापन किया जा सकता है, जैसे फूड मटेरियल की मात्रा का किया गया उपयोग, कितना उपयोग किया गया फूड की मात्रा का, भोजन की ओर आकर्षण कि वो एनिमल या प्राणी भोजन को देखकर कितना अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, कितनी जोर से वो भागता है। फूड मटेरियल प्राप्त करने के लिए निश्चित लीवर पर दबाना, जैसे मान लो किसी पिंजरे के अंदर किसी भी जानवर को, किसी भी कबूतर को, किसी भी चूहे को रखा गया है, और यदि उसे भूखा रखा गया है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने इस प्रकार से रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक बॉक्स लगा हुआ है इस प्रकार से, और इस बॉक्स में आपने क्या रखे हैं, दाने रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ से एक दरवाज़ा है, ठीक है, और ये एक लीवर लगा हुआ है, लीवर का मतलब है कि यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, इस पंप को यदि कोई प्रेस करेगा तो यहाँ से ये क्या होगा, ओपन होगा और दाने यहाँ पर आके गिरेंगे। अब गलती से एक बार इसको भूख पे डिपेंड करता है कि अगर ये प्राणी या फिर ये जीव, चाहे वो चूहा हो चाहे वो कोई भी कबूतर हो सकता है, अगर ये भूखा है, अगर भूख की रेट अधिक है, मोटिवेशन अधिक है, तो ये क्या करेगा, हाथ पर मारेगा, कोशिश करेगा कैसे भी फूड प्राप्त करने की। गलती से इसका लीवर दब गया यहाँ से, और दबते यहाँ से गेट खुला और फूड इसके पास में आ गया। अब इसको क्या लगा, फिर ये भूखा है, फिर वापस कोशिश करेगा तो लीवर को दबाएगा, तो लीवर को कितनी फास्ट वो दबा रहा है, लीवर को कितनी बार वो दबा रहा है, कितनी बार वो भोजन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके तत्परता पर डिपेंड करता है कि उसको भूख कितनी है। ठीक है ना, मोटिवेशनल फेज की स्टडी में तीन प्रावस्थाएं पाई जाती है, एक तो सर्चिंग कि किसी भी मोटिवेशन के प्रति, किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो सर्च कितना करता है ना, एप्टेटिव बिहेवियर, उसको पाने के लिए वो क्या कोशिश करता है। वस्तु को खोजने की अवस्था, जैसे प्रेडेटर सर्च प्रे, प्रेडेटर क्या करते हैं, अपने प्रे को ढूंढते हैं, शिकारी को ढूंढते हैं। हंगर, कोई भूखा होगा वो किसको ढूंढेगा, फूड को ढूंढेगा। ठीक है ना, एक तो सर्चिंग वाला मेथड होता है, एक होता है ओरिएंटेशन एंड कंजू
मैट्री एक्ट, कंज्यूमेट्री एक्ट, कि उसने ओरिएंटेशन मतलब उसने देखा किस दिशा में है क्या क्या नहीं है और उनको कंज्यूमेट्री मतलब उसको कंज्यूम किया है। तो यहाँ पर हंग्री एनिमल के पास फूड मिलने पर वह भोजन के प्रति निश्चित स्थायी क्रिया करता है, जो उसका नेचुरल जो बिहेवियर होता है FAD फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है वो व्यवहार करता है और भोजन ग्रहण करता है। अपन देखेंगे तो यहाँ पर फेज ऑफ क्यूसेंस, यदि उसको वो चीज़ मिल गई है तो अब वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने से मतलब सेचुरेशन हो जाएगा, सेचुरेशन होते ही वो अपनी विश्राम अवस्था में चला जाएगा, कुछ टाइम के लिए वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, मतलब मोटिवेशन की जो दर है वो एकदम शांत हो गई। यहाँ पर बोलेंगे अपन तृप्ति अवस्था, संतृप्त अवस्था मतलब सेचुरेटेड। हाइपोथैलेमस की हेल्प से ब्रेन तथा एक्सप्रेशन के बीच कनेक्शन को समझाया जा सकता है, ठीक है ना, कि ब्रेन और हाइपोथैलेमस कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि वही चीज़ जो पहले तड़प रहा था उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अब वो चीज़ मिलने के बाद वो क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट है ना, पीछे वाले भाग के भाग में अश्म तथा पायन, दो भाग पाए जाते हैं, अश्म तथा पायन सेंटर पाए जाते हैं, जिनके स्टिमुलेशन से है ना जिनको उद्दीपक किया जाए तो भूख व प्यास का व्यवहार शो होता है। यदि इनको इंडक्शन दिया जाए तो आपको भूख का एहसास होगा और प्यास का एहसास होता है। ये सेंटर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर भाग में पाए जाते हैं, अश्म और पायन दोनों क्षेत्र किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भूख और प्यास से संबंधित व्यवहार इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में सेटिटी सेंटर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेटिटी सेंटर पाया जाता है, सेंटर को आर्टिफिशियली उद्दीपन किया जाए मतलब उनको आर्टिफिशियली क्या किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए, भूख व प्यास बंद हो जाती है, ठीक है ना, ये भूख व प्यास को बंद करने के लिए सेंटर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, सेटिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है और हाइपोथैलेमस के मध्य भाग के अंदर पाया जाता है। यदि इनको आर्टिफिशियली दबाया जाए या फिर इनको इंडक्शन दिया जाए तो वह व्यक्ति कितनी भी भूख हो उसको भूख लगना बंद हो जाता है ना, भूख लगना बंद हो जाता है चाहे वह व्यक्ति कितना भी भूखा हो, इसका मतलब कंट्रोल किया जा सकता है पूरी चीज़ें। हाइपोथैलेमस के अग्रभाग है ना एंटीरियर पार्ट में सेक्सुअल बिहेवियर को इफेक्ट करने वाले सेंटर पाए जाते हैं, इसका मतलब पूरा डिपेंड किसका करता है कि एनिमल की जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मोटिवेशन कैसा है। सेंटर पाया जाता है जिसे स्टिमुलेट करने पर जंतु प्राणी में सेक्सुअल बिहेवियर की उत्तेजना या अभिप्रेरणा देखी जा सकती है। यदि इस पार्ट को छेड़ा जाएगा तो एनिमल क्या करेगा, अपने सेक्सुअल बिहेवियर को एक्टिव मतलब शो करेगा, दर्शाएगा, इसका मतलब ये क्या करता है, सेक्सुअली इंड्यूस करता है। एंटीरियर पार्ट में ही स्लीपिंग वेकअप के सेंटर होते हैं, सोना उठना जागना। पोस्टीरियर भाग में अग्रेसिव का व्यवहार, अटैक करना, झगड़ा करना जैसे व्यवहार भी या इनके भी केंद्र पाए जाते हैं, तथा इसी भाग में ही प्राइज देना मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना, तथा उसको पनिश करना या उसको दंडित करना, ऐसे वाले सेंटर है वो भी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप यहाँ देखोगे इसमें पोस्टेरियर भाग में पाए जाते हैं, किसके, हाइपोथैलेमस के पोस्टेरियर भाग में पाए जाते हैं। तो ये कौन से पार्ट कौन से भाग में पाए जाते हैं, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने, हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। से रिलेटेड सेंटर पाए जाते हैं जिनके स्टिमुलेशन होने पर आनंद की अनुभूति होती है। यदि इन पार्ट को जैसे मान लो प्राइज वाला पार्ट है, इस पार्ट को आर्टिफिशियली आपने क्या किया, इंडक्शन किया, स्टिमुलेट किया, तो आपको क्या होगा, एक आनंद ही महसूस होगा कि मुझे, जैसे अपन ऐसा नहीं होता कि अपन कहीं बड़े स्टेज पे जा रहे हैं, अपने को सम्मान किया जा रहा है, अपना सम्मान किया जा रहा है, कोई अपने को गिफ्ट या प्राइज मिल रहा है, तो एक अंदर से एक मतलब खुशी होती है। सेम ऐसा व्यवहार इस पार्ट को यदि इंड्यूस किया जाए तो भी आपको फील हो सकता है, यदि इस पार्ट को ऐसे इंड्यूस किया जाए तो आपको बड़ा दुख महसूस होता है, इसका मतलब आपको जैसे कोई तकलीफ दे रहा हो, दंडित कर रहा हो, वैसा भी महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये चीज़ें भी किस पे डिपेंड करती है, हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड करती। अनुभव या असुविधा या दंड का अनुभव होता है, अंततः अपन कह सकते हैं कि बिहेवियर हाइपोथैलेमस के द्वारा भी कंट्रोल या रेगुलेट किया जा सकता है ना, मोस्टली पार्ट जो अपना हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोन और मोटिवेशन का संबंध, कौन सा हार्मोन क्या करता है, तो यहाँ पर आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड
एक तो हार्मोन और हार्मोन के साथ में आपका नर्वस सिस्टम। मोस्टली ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि मोस्टली जो प्राणियों का व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। टिनबर्गन ने के अनुसार स्टिकल बैक फिश है ना, कौन सी स्टिकल बैक फिश में ब्रीडिंग या मेटिंग के दौरान, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है या मेटिंग करना चाहते हैं उसके दौरान विभिन्न प्रकार के व्यवहार क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, जैसे टेरिटरी मार्किंग, अपनी जो भी सीमा होती है उस सीमा के चारों तरफ क्या करते हैं, फिरोमोन छोड़ते हैं या अपना टेरिटरी एरिया बनाते हैं कि दूसरा आकर एंटर ना करे, नेस्ट बिल्डिंग, अपना जो भी घोंसला या जगह है जहाँ पर ये ब्रीडिंग वाला मेटिंग वाला प्रोग्राम करेंगे उसको कैसे कहाँ पर करना है, वो ब्रीडिंग या नेस्ट बिल्डअप तैयार करना, और कॉर्डशिप बिहेवियर करना। कॉर्डशिप बिहेवियर का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को ऑपरेट करना, तो यहाँ पर कॉर्डशिप बिहेवियर। नर मादा को मेटिंग के लिए विभिन्न प्रयास तथा व्यवहार करता है तथा ये व्यवहार सेक्सुअली अट्रैक्शन करने के लिए किया जाता है, मेल के द्वारा फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, तो क्या कहलाता है, कॉर्डशिप व्यवहार कहलाता है। चाहे वो फूड के लिए अट्रैक्ट करवाए, चाहे वो उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अट्रैक्ट करे, वो सभी व्यवहार क्या होता है, मतलब किसी भी एक प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को किसी भी चीज़ के लिए लुभाना वो क्या कहलाता है, कॉर्डशिप बिहेवियर कहलाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है और फूड के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद रख लेना भैया ना, कॉर्डशिप व्यवहार कई बार पूछा जा चुका है, ये कॉर्डशिप व्यवहार जब भी पूछा जाए तो आपको याद रहनी चाहिए कि किसी भी प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को लुभाना, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हो, तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को अट्रैक्ट करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करता है वो उसका कॉर्डशिप बिहेवियर कहलाता है। तो यहाँ पर नर जो है वो मादा को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सेक्सुअल बिहेवियर या पेरेंटल केयर के लिए नर करते हैं, ठीक है ना। नर ही पेरेंटल केयर करेंगे और यही सेक्सुअल बिहेवियर करेंगे, कॉर्डशिप व्यवहार, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है मैंने अलग से इसलिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम के अंदर आरपीएससी में पूछा जा चुका है। इसे अनुरंजन व्यवहार के नाम से भी जानते हैं। ये व्यवहार जीवों में निम्न चेंजेज होने से होता है, जैसे इन्वायरमेंट में बदलाव, दिन रात होना, इनके कारण से भी चेंज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और सेक्सुअल ग्लैंड के द्वारा रिलीज, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है आपका कॉर्डशिप बिहेवियर। जैसे नर में, अभी जो फिश की अपन बात कर रहे थे उस फिश की बात कर रहे हैं, नर में हार्मोन के प्रभाव से एब्डोमन या उदर भाग पर रेड कलर है ना, जो मेल है, मेल के अंदर हार्मोन के चेंज होने के कारण से उसका जो पीछे वाला एब्डोमन वाला पार्ट है उसमें रेड कलर दिखाई देने लगता है तथा आई भी ब्लू कलर की होने लगती है ना, मेल के अंदर। नर घोंसले में घोंसले का निर्माण करता है तथा जिगजिग मेथड से डांस करता है और फीमेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब कॉर्डशिप व्यवहार किस प्रकार से करता है उसी का चल रहा है, जिससे फीमेल एब्डोमन एग के कारण फूल जाती है, मतलब उसके अंदर क्या बनने लगते हैं, एग बनने लगते हैं ऐसे व्यवहार देखने के कारण से। मेल नेस्ट में एंटर करता है, मतलब पहले जहाँ पर वो अंडे देने वाली है वहाँ पर पहले जाएगा, उसके बाद में वहाँ पर क्या करती है, फीमेल एंटर करेगी उसी जगह पर। मेल के द्वारा एक्साइटिंग किए जाने पर है ना, अंदर दोनों चले गए, अंदर जाने के बाद में मेल क्या करेगा, उसको एक्साइट करेगा और एक्साइट किए जाने पर फीमेल वहाँ पर क्या दे देगी, अंडे दे देती है, फीमेल एग देती है, जिस पर मेल अपने शुक्राणु डोनेट करता है, अपने स्पर्म सीमन डालता है तथा फीमेल वहाँ से बाहर चली जाती है ना, अंडे दे के बाहर चली गई। मेल नेस्ट के बाहर घूम कर पहरा देता है, ठीक है ना, वहाँ पर, तथा रेड कलर का एब्डोमन भाग दर्शाता है, मतलब वो प्रोटेक्शन भी करता है कि बाहर से कोई अटैक ना कर दे, इनकी पेरेंटल केयर भी करेगा तथा प्रीडेटर से प्रोटेक्शन भी करता है। जब तक एग से बच्चे बाहर ना निकल जाए तब तक पेरेंटल केयर भी कौन करता है, मेल ही करता है। ये सब किसके अंदर आता है, कॉर्ड बिहेवियर के अंदर, कॉर्डशिप बिहेवियर के अंदर कर रहा है ये। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, उसकी बॉडी के अंदर जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या नर हार्मोन है तब तक ये ऐसा व्यवहार करेगा, जैसे ही हार्मोन का लेवल कम आएगा ये व्यवहार करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक ब्लड में है ना उस प्राणी के या उस फिश के मेल के हार्मोन का लेवल क्या हो, अधिक हो, तब तक ये ऐसे व्यवहार शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अपन ब्लम और फेडलर है ना, बैम एंड फेडलर ने प्रोलैक्टिन हार्मोन को मेल के अंदर इंसर्ट किया
प्रोलैक्टिन हार्मोन का मतलब होता क्या है कि मेल फीमेल के अंदर एक तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, साथ साथ में उसमें फीमेल के अंदर अपने बच्चों के प्रति पेरेंटल केयर के लिए भी इंड्यूस करता है ना। फीमेल के अंदर जो फीमेल में देखा आप लोगों ने कि मेल के प्रति, मेल से फीमेल के अंदर अपने बच्चों के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, उनको प्रोटेक्ट करने का ज़्यादा होते हैं, तो वो सभी चीज़ें किस पे डिपेंड करता है, अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन पर। इन्होंने क्या किया, प्रोलैक्टिन हार्मोन जब मेल के अंदर डाल के देखा गया तो मेल में भी कौन से लक्षण आने लगे, पेरेंटल केयर के लक्षण आने लगे। इसका मतलब हार्मोन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है कैरेक्टर। तो मेल के अंदर इंजेक्ट करवाया गया, प्रवेश करवाया गया, जिससे इनमें पेरेंटल केयर से रिलेटेड व्यवहार आने लगा, पेरेंटल केयर का व्यवहार आने लगा। पशु व्यवहार में वे सभी तरीके शामिल हैं जिनमें पशु अन्य जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ में क्रिया करते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी व्यवहार जो बाहरी वातावरण के साथ में वंते क्रिया करने के लिए, इस्टैब्लिश करने के लिए भी करते हैं, व्यवहार को प्रेरित करने, ठीक है, किसी भी व्यवहार को, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर कोई भी एक संकेत होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, संकेतक, है ना। कोई भी चीज़ जैसे मान लो कोई व्यवहार क्यों करेगा, उसके सामने उसको कुछ चीज़ दिखे तो सही, उसको तो वो चीज़ दिखेगी तभी उसके प्रति वो व्यवहार करेगा। मेल है, अगर उसको फीमेल दिखे ही नहीं तो वो अपना बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर कैसे शो करे, कैसे डांस करे, किसको देख के डांस करे, किसको देख के वो सिंगिंग करे। इसका मतलब व्यवहार हमेशा तभी किया जाता है जब उसके सामने कोई भी साइन या संकेतक दिखाया जाता है। कुछ मामलों में संकेतक काफ़ी हद तक बाहरी होते हैं, संकेतक हमेशा बाहरी होते हैं मोस्टली। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जैसे हिबरनेशन, देखो ये टर्म भी आ चुका है इथोलॉजी के अंदर, क्वेश्चन पूछा जा सका है। हिबरनेशन का मतलब किसे कहते हैं कि कुछ एनिमल्स इन विंटर सर्दियों के अंदर अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए अपने, जैसे मान लो कि कोई सरफेस है, यहाँ पे इनका कोई बिल है, इस प्रकार से उनके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जाके इस प्रकार से सो जाएंगे और लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, अपनी मूर्छित अवस्था के अंदर रहेंगे, अपनी एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देंगे, अपनी रेस्पिरेशन रेट को स्लो कर लेंगे, है ना, तो सभी चीज़ों को स्लो कर लेंगे जिसके कारण से अपनी एनर्जी है वो बचा लेंगे और काफ़ी लंबे तक मूर्छित अवस्था के अंदर ये पड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कुछ प्राणी सर्दियों के कंडीशन में अपनी एनर्जी बचाने के लिए अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं या रेस्पिरेशन रेट को कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं, और वो एक सुप्त अवस्था के अंदर चले जाते हैं। एनिमल अपनी मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज करके सर्दियों में, देखो ये टर्म याद रखना भी, ये सर्दियों में, विंटर में इनएक्टिव स्टेट के अंदर चले जाते हैं तथा संसाधनों को बचाता है। मतलब उनको सीधी सी बात, इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे तो खाना पीना उनको कम पड़ेगा, जैसे भूरे भालू, है ना, छुछुंदर, कई चीज़ ऐसे होते हैं जो इसमें चले जाते हैं। आगे आप देखो लोगों के लिए कि एक तो हिबरनेशन है, हिबरनेशन, और एक है एस्टिवेशन। ये दोनों टर्म हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, दोनों टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। हिबरनेशन का मतलब बता दिया मैंने आपको, हमेशा याद रखना विंटर में, ये क्या है, विंटर की बात कर रहा है। यहां पर अगर एस्टिवेशन करेगा तो यहां पर ये करेगा समर की बात। अगर सेम ऐसी इनएक्टिव स्टेज अगर गर्मियों में कोई प्राणी करे तो उसे क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, अगर वो सर्दियों में करे तो उसे क्या कहते हैं, हिबरनेशन। यहां पर अपन कहेंगे गर्मियों में कुछ जीव इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं तथा हिबरनेशन के समान होता है लेकिन समर में होता है, बस इतना सा है, जैसे स्नेल, जैसे घोंगा या स्नेल जो होते हैं वाटर के। यहाँ पर अपन माइग्रेशन देखेंगे, है ना, माइग्रेशन, ये भी व्यवहार कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि बाहर का उसका संकेतक कैसा है, उसको आवश्यकता कैसी है, उसकी तत्परता कैसी है, तब वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। इस व्यवहार में मौसम या सीजनल पैटर्न के अनुसार एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई जो नॉर्थ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट में रहती है लेकिन विंटर में मैक्सिको के किस में जाती है, ऑटम में माइग्रेट करती है तथा टेम्परेचर, डे लेंथ और फूड की आवश्यकता के लिए माइग्रेट
करते हैं। इसका मतलब माइग्रेशन करना वो भी किस पे डिपेंड करता है, उसका व्यवहार जो है वो डिपेंड करता है उसकी आवश्यकताओं पे, उसकी फेवरेबल कंडीशन, उसकी अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बिहेवियर, जैसे सबसे पहले मोटिवेशनल बिहेवियर अगर कोई होगा तो सबसे पहले हाई मोटिवेशनल लेवल होगा। हाई मोटिवेशनल लेवल का मतलब है कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता कितनी है, ठीक है ना। किसी भी चीज की प्राणी को आवश्यकता कितनी है, कितनी आवश्यकता है, उस टाइम पर आपका मोटिवेशन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, एकदम पीक पे होता है, एकदम अधिक होता है, ठीक है ना। फिर आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, सर्चिंग करते हो, आप कोशिश करते हो, सर्चिंग करते हो, है ना। उस टाइम पर बिहेवियर, इस टाइम पर भी आपका जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर सर्चिंग फॉर गोल, आपको आपका गोल प्राप्त करने के लिए उस टाइम पर आपका जो मोटिवेशन रेट है या मोटिवेशन दर है वो क्या रहती है, अधिक रहती है। आपने अचीवमेंट ऑफ गोल थ्रू द, आप उसको अचीवमेंट करने के लिए कौन से व्यवहार शो करते हो, जो फिक्स फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो व्यवहार है आपका, इननेट बिहेवियर है, उनकी सहायता से आप क्या करते हो, अपने गोल को प्राप्त करते हो। और जैसे ही आपका गोल प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने अचीव कर दिया, क्या अचीव कर लिया, आपका गोल जो जिस चीज़ के लिए आप भाग दौड़ कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल गई है, मिलते ही डिक्रीज लेवल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे तो मिल गई आपको, इसका मतलब मिनिमम हो जाएगा। जैसे मोटिवेशन दर कम होगी तो आप किस में चले जाओगे, सुप्त अवस्था के अंदर चले जाओगे, किस में चले जाओगे, सुप्त अवस्था में। अब आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको जब मिली है तो वो ख़त्म भी होगी, या उस चीज़ से ऊपर भी कोई चीज़ है, तो कुछ टाइम तक आप क्या रहोगे, सुप्त अवस्था के अंदर रहोगे। जैसे आपको कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो कुछ टाइम के लिए आप सुप्त अवस्था के अंदर चले जाओगे, अपनी लाइफ जियोगे, इन्जॉय करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर एक टाइम के बाद में आपको लगता है कि नहीं यार अभी लाइफ नहीं रोकना, अपने को वापस से तैयारी करनी है, तो फिर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लेवल जो वापस बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शांत अवस्था के बाद में अगेन इंक्रीज लेवल ऑफ मोटिवेशन, है ना, विद टाइम, समय के साथ में आपका मोटिवेशन लेवल वापस से बढ़ने लगेगा, और वापस आप क्या करने लगोगे, किसी चीज़ की तलाश में वापस काम करने लगोगे, और यहाँ पर अगेन हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का लेवल वापस से आपका बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये एक चैप्टर था आपका इथोलॉजी का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आप लोग लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करें। अपन भी लास्ट के अंदर इथोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकेंड ग्रेड में पूछे गए हैं उन सभी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो, विशेष वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर सभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है और उनकी लैंग्वेज क्या थी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। आज के लिए अपने वीडियो कंप्लीट होता है, थैंक यू।